नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सिरोही आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम जो है हमने थोड़े से जो है आलू जो है बोए थे, थोड़े ही है, ज़्यादा नहीं है। आज हम जो है वो निकालते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत थोड़े ही आलू थे, अब की बात जो है हमारे को जो है बीज नहीं मिल पाया था इनका। छोटे से हैं, दस सालों की बार जो है जो बीज जो घर पर ही जो था वो ही हमने इसमें डाल दिया था, अलग से तो हमारे को बीज नहीं लगता। और जो घर पे बीज था वो तो बाजार से जो लाया हुआ था वही था, जो जिसके अंदर फुटेर आ गई थी वो हमने निकाल लिया। पिछली बार तो मैंने ये आगे तक जो है मैंने ये बो दिए थे, तो मेरे काफी आलू हो गए थे। ये बीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बीज आपका कैसा है। बहुत आलू निकले हैं, और बिल्कुल ये ऑर्गेनिक है। हमने इसमें जो है किसी भी तरह का कोई खाद वगैरह कोई ऐसा अंग्रेजी नहीं डाला, मतलब जो है इसमें घर की खाद। ये जो है बथुआ बीच में हो जाता है काफ़ी, और इसने जो है हमारा ये पुदीना जो है ना ये भी दबा दिया। कुछ जो है खरपतवार टाइप हो जाती है। एक आलू दिख रहा है, बोरा कोई बात एक आलू खराब है। हाँ कोई नहीं, दो तीन है वो तो, ये तो निकलते हैं बेटा, कोई कुछ खराब भी निकल जाते हैं। दरअसल ये खोलने तो कई दिन पहले थे लेकिन टाइम नहीं मिला, और फिर थोड़ी सी मेरे को चोट लग गई थी कल मेरे को थोड़ी सी इधर यहाँ चोट लग गई थी, पैर स्लिप हो गया, ध्यान नहीं था तो।
कसम है थोड़े बहुत दिन जो है चल जाएंगे, जितने भी चलेंगे। अब की बात में बढ़िया आलू निकले नहीं है ये, क्योंकि एक तो बीज की कोई वो नहीं होती ना, बाजार से लेके आए हैं कैसा बीज है कैसा नहीं है उसकी कोई वो तो होती नहीं गारंटी कि अच्छा निकलेगा फिर कैसा निकलेगा। ये पुदीने में भी जो है ये खरपतवार हो जाती है। पिछली बार तो जो मैंने बोया था उसमें जो है 6 महीने के करीब जो है ये निकल आए थे, लेकिन अब की बार तो नहीं लगता। ये घर पर जो है थोड़ी सी जगह है तो इसमें हम जो है बो देते हैं अपनी सब्जियां जो है घर के लायक हो जाती हैं। अब जो है कुछ भिंडी लगाई हुई है, पालक बोया है दोबारा और गवार की फली बोई है। अच्छा दोस्तों, अभी तो मेरे को ये दौर निकालनी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ आप सब लोग खैरियत से रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। नमस्कार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।